मैं शशिबाल मैम, मैं टीचर क्लास टेंथ को 12 चैप्टर का 12.3 में 13 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 13 क्वेश्चन हमारे पास, इन्हें स्क्वायर ओ ए बी सी इज इनसब्सक्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इक्वल 20 सेंटीमीटर, ओ ए 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन्स, हमें शेडिड पार्ट का एरिया निकालना है। अब हमारे पास ये हमारे पास स्क्वायर की साइड है, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। पहले हमें अब क्या निकालना, हमारे सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, अपने सेक्टर का एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेड का एरिया जाएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, लेकिन रेडियस तो हमारे पास है नहीं। रेडियस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, हमारे पास ओ ए बी 90 डिग्री इन क्वाड्रेंट, ये हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज के ओ बी स्क्वेयर इक्वल ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर 20 स्क्वेयर प्लस 20 स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 400 प्लस 400, ओ बी स्क्वेयर 800, टेकिंग स्क्वेयर रूट यह जाएगा हमारे पास ओ बी इक्वल 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास रेडियस आ गया, एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360, एरिया ऑफ सेक्टर पाई हमारे पास 3.14 गिवन है, और 20 अंडर रूट 2 इंटू 20 अंडर रूट 2 थीटा 90, रीजन क्वाड्रेंट में हमारे पास 360, पॉइंट एलिमिनेट करेंगे बाय 100। अब ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास 14। अभी आ जाएगा हमारे पास 14 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 बाय 4, 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 8 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी हमारे पास 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड यहाँ निकाल देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड सिक्स हंड्रेड 28 माइनस 400 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। थैंक्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।